बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2024 जो कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग का 10वां एडिशन होगा। इस टूर्नामेंट का आगाज 19 जनवरी से हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जनवरी 2024 से शुरू होकर 1 मार्च 2024 तक खेला जाएगा और इस टूर्नामेंट में कुल मिलाकर 60 टीमों के दरमियान 46 T20 मैचेस खेले जाएंगे। आइए अब जानते हैं इस टूर्नामेंट के मुकम्मल शेड्यूल के बारे में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शेड्यूल शुरू करने से पहले आप लोगों को बताता चलूं कि टूर्नामेंट के हर रोज 2 मैचेस खेले जाया करेंगे। पहला मैच इंडियन टाइम के मुताबिक दोपहर 1:30 पर शुरू हुआ करेगा, जबकि बांग्लादेश टाइम के मुताबिक पहला मैच 2 बजे शुरू हुआ करेगा, जबकि दूसरा मैच इंडियन टाइम के मुताबिक शाम 6:30 पर, जबकि बांग्लादेश टाइम के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू हुआ करेगा। टूर्नामेंट के पहले रोज फ्राइडे 19 जनवरी को पहले मैच में दुर्दंतो ढाका का मुकाबला होगा कोमिला विक्टोरियंस के साथ, जबकि दूसरे मैच में चैटोग्राम चैलेंजर्स का मुकाबला होगा सिलेट स्ट्राइकर्स के साथ। ये दोनों मैचेस ढाका में खेले जाएंगे। इसके बाद सैटरडे 20 जनवरी को पहले मैच में फोर्टून बोरिसल का मुकाबला होगा रंगपुर राइडर्स के साथ, जबकि दूसरे मैच में चैटोग्राम चैलेंजर्स का मुकाबला होगा खुलना टाइगर्स के साथ। ये दोनों मैचेस ढाका के वेन्यू पर खेले जाएंगे। इसके बाद 21 जनवरी को कोई भी मैच नहीं खेला जाएगा, जबकि 22 जनवरी को पहले मैच में दुर्दंतो ढाका का मुकाबला होगा चैटोग्राम चैलेंजर्स के साथ, जबकि दूसरे मैच में फोर्टून बोरिसल का मुकाबला होगा खुलना टाइगर्स के साथ। ये दोनों मैचेस ढाका के वेन्यू पर खेले जाएंगे। इसके बाद ट्यूसडे 23 जनवरी को पहले मैच में सेलर स्ट्राइकर्स का मुकाबला होगा रंगपुर राइडर्स के साथ, जबकि दूसरे मैच में कोमिला विक्टोरियंस का मुकाबला होगा फोर्चून बोरिसल के साथ। ये दोनों मैचेस भी ढाका के वेन्यू पर खेले जाएंगे। इसके बाद 24 और 25 जनवरी को कोई भी मैच नहीं खेला जाएगा, जबकि फ्राइडे 26 जनवरी को पहले मैच में खुलना टाइगर्स का मुकाबला होगा रंगपुर राइडर्स के साथ, जबकि दूसरे मैच में सिलेट स्ट्राइकर्स का मुकाबला होगा कोमिला विक्टोरियंस के साथ। ये दोनों मैचेस सिलेट के वेन्यू पर खेले जाएंगे। इसके बाद सैटरडे 27 जनवरी को पहले मैच में फोर्चून बोरिसल का मुकाबला होगा चैटोग्राम चैलेंजर्स के साथ, जबकि दूसरे मैच में दुर्दंतो ढाका का मुकाबला होगा रंगपुर राइडर्स के साथ। ये दोनों मैचेस सिलेट के वेन्यू पर खेले जाएंगे। इसके बाद मंडे 29 जनवरी को पहले मैच में सिलेट स्ट्राइकर्स का मुकाबला होगा चैटोग्राम चैलेंजर्स के साथ, जबकि दूसरे मैच में दुर्दंतो ढाका का मुकाबला होगा खुलना टाइगर्स के साथ। ये दोनों मैचेस सिलेट के वेन्यू पर खेले जाएंगे। इसके बाद ट्यूसडे 30 जनवरी को पहले मैच में कोमिला विक्टोरियंस का मुकाबला होगा रंगपुर राइडर्स के साथ, जबकि दूसरे मैच में सिलेट स्ट्राइकर्स का मुकाबला होगा फोर्चून बोरिसल के साथ। ये दोनों मैचेस सिलेट के वेन्यू पर खेले जाएंगे। इसके बाद 31 जनवरी और 1 फरवरी को कोई भी मैच नहीं खेला जाएगा, जबकि फ्राइडे 2 फरवरी को पहले मैच में सिलेट स्ट्राइकर्स का मुकाबला होगा दुर्दंतो ढाका के साथ, जबकि दूसरे मैच में कोमिला विक्टोरियंस का मुकाबला होगा चैटोग्राम चैलेंजर्स के साथ। ये दोनों मैचेस सिलेट के वेन्यू पर खेले जाएंगे। इसके बाद संडे 3 फरवरी को पहले मैच में फोर्चून बोरिसल का मुकाबला होगा खुलना टाइगर्स के साथ, जबकि दूसरे मैच में सिलेट स्ट्राइकर्स का मुकाबला होगा रंगपुर राइडर्स के साथ। ये दोनों मैचेस सिलेट के वेन्यू पर खेले जाएंगे। इसके बाद 4 और 5 फरवरी को कोई भी मैच नहीं खेला जाएगा, जबकि ट्यूसडे 6 फरवरी को पहले मैच में दुर्दंतो ढाका का मुकाबला होगा रंगपुर राइडर्स के साथ, जबकि दूसरे मैच में चैटोग्राम चैलेंजर्स का मुकाबला होगा फोर्चून बोरिसल के साथ। ये दोनों मैचेस ढाका के वेन्यू पर खेले जाएंगे। इसके बाद वेडनेसडे 7 फरवरी को पहले मैच में खुलना टाइगर्स का मुकाबला होगा कोमिला विक्टोरियंस के साथ, जबकि दूसरे मैच में दुर्दंतो ढाका का मुकाबला होगा सिलेट स्ट्राइकर्स के साथ। ये दोनों मैचेस ढाका के वेन्यू पर खेले जाएंगे। इसके बाद फ्राइडे 9 फरवरी को पहले मैच में खुलना टाइगर्स का मुकाबला होगा सिलेट स्ट्राइकर्स के साथ, जबकि दूसरे मैच में दुर्दंतो ढाका का मुकाबला होगा कोमिला विक्टोरियंस के साथ। ये दोनों मैचेस ढाका के वेन्यू पर खेले जाएंगे। इसके बाद सैटरडे 10 फरवरी को पहले मैच में चैटोग्राम चैलेंजर्स का मुकाबला होगा रंगपुर राइडर्स के साथ, जबकि दूसरे मैच में दुर्दंतो ढाका का मुकाबला होगा फोर्चून बोरिसल के साथ। ये दोनों मैचेस ढाका के वेन्यू पर खेले जाएंगे। इसके बाद 11 और 12 फरवरी को कोई भी मैच नहीं खेला जाएगा, जबकि ट्यूसडे 13 फरवरी को पहले मैच में चैटोग्राम चैलेंजर्स का मुकाबला होगा कोमिला विक्टोरियंस के साथ, जबकि दूसरे मैच में खुलना टाइगर्स का मुकाबला होगा रंगपुर राइडर्स के साथ। ये दोनों मैचेस चैटोग्राम के वेन्यू पर खेले जाएंगे। इसके बाद वेडनेसडे 14 फरवरी को पहले मैच में दुर्दंतो ढाका का मुकाबला होगा फोर्चून बोरिसल के साथ, जबकि दूसरे मैच में कोमिला विक्टोरियंस का मुकाबला होगा खुलना टाइगर्स के साथ। ये दोनों मैचेस चैटोग्राम के वेन्यू पर खेले जाएंगे। इसके बाद 15 फरवरी को कोई भी मैच नहीं खेला जाएगा, जबकि फ्राइडे 16 फरवरी को पहले मैच में दुर्दंतो ढाका का मुकाबला होगा खुलना टाइगर्स के साथ, जबकि दूसरे मैच में चैटोग्राम चैलेंजर्स का मुकाबला होगा रंगपुर राइडर्स के साथ। ये दोनों मैचेस चैटोग्राम के वेन्यू पर खेले जाएंगे।
इसके बाद सैटरडे 17 फरवरी को भी दो मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में फॉर्चून बोरिसल का मुकाबला होगा सेलेट स्ट्राइकर्स के साथ, जबकि दूसरे मैच में चैटोग्राम चैलेंजर्स का मुकाबला होगा दूरदंतो ढाका के साथ। ये दोनों मैचेस चैटोग्राम के वेन्यू पर खेले जाएंगे। इसके बाद 18 फरवरी को कोई भी मैच नहीं खेला जाएगा, जबकि मंडे 19 फरवरी को पहले मैच में कोमिला विक्टोरियंस का मुकाबला होगा सेलर स्ट्राइकर्स के साथ, जबकि दूसरे मैच में फॉर्चून बोरिसल का मुकाबला होगा रंगपुर राइडर्स के साथ। ये दोनों मैचेस चैटोग्राम के वेन्यू पर खेले जाएंगे। इसके बाद ट्यूसडे 20 फरवरी को पहले मैच में चैटोग्राम चैलेंजर्स का मुकाबला होगा खुलना टाइगर्स के साथ, जबकि दूसरे मैच में कोमिला विक्टोरियंस का मुकाबला होगा रंगपुर राइडर्स के साथ। ये दोनों मैचेस चैटोग्राम के वेन्यू पर खेले जाएंगे। इसके बाद वेनसडे 21 फरवरी को पहले मैच में कोमिला विक्टोरियंस का मुकाबला होगा फॉर्चून बोरिसल के साथ, जबकि दूसरे मैच में खुलना टाइगर्स का मुकाबला होगा सेलेट स्ट्राइकर्स के साथ। ये दोनों मैचेस ढाका के वेन्यू पर खेले जाएंगे। इसके बाद 22, 23 और 24 फरवरी को कोई भी मैच नहीं खेला जाएगा, जबकि संडे 25 फरवरी को पहले मैच में टूर्नामेंट का पहला एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच ढाका के वेन्यू पर खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच होगा टूर्नामेंट का पहला क्वालिफायर मैच। ये मैच भी ढाका के वेन्यू पर खेला जाएगा। इसके बाद 26 फरवरी को कोई भी मैच नहीं खेला जाएगा, जबकि ट्यूसडे 27 फरवरी को खेला जाएगा टूर्नामेंट का दूसरा क्वालिफायर मैच। ये मैच इंडियन टाइम के मुताबिक शाम 7 बजे, जबकि बांग्लादेश टाइम के मुताबिक शाम 6:30 पर खेला जाएगा। इसके बाद 28 और 29 फरवरी को कोई भी मैच नहीं खेला जाएगा, जबकि फ्राइडे 1 मार्च को खेला जाएगा टूर्नामेंट का फाइनल मैच। ये मैच इंडियन टाइम के मुताबिक शाम 6:30 पर, जबकि बांग्लादेश टाइम के मुताबिक शाम 7 बजे खेला जाएगा।